Good afternoon, everyone. As you are knowing that the chapter Nationalism in India is going on. In this chapter, yesterday you have studied that what was the how the different people participate in civil disobedience movement. And in which you have studied about the what about the thinking about rich peasants, what was the thinking about the rich peasants in this rich peasant in this movement, and what they want. After that, you have studied about the poor peasants, then you have studied about the industries, and at last you have studied about that. You have studied about the participation of women, and what was the thinking of Mahatma Gandhi for the women? What were their mentality for the women? So, today we are going to discuss about the limit of civil disobedience movement. What was the limit of civil disobedience movement? Yes, this is the very important questions in your exam, that what is the limit of civil disobedience movement? It means that who did not participated in this movement? कि कौन कौन लोगों ने इस मूवमेंट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? Not all social groups were moved by the strict concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930 and began to call themselves Dalit or oppressed. For long, the Congress had ignored the Dalit. The fear of offending the Santanis, the conservative high class Hindus, but Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchable was not eliminated. He called the untouchable Harijans. Yes, the group which has not participated in this movement, that group was untouchables. That group was untouchables. जिसको untouchable कहा जाता था, and they called themselves Dalit or oppressed. बहुत समय तक कांग्रेस को अक्सर ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी. तो बहुत समय तक कांग्रेस इन oppressed क्लास को, इन दलितों को इग्नोर किया. लेकिन जब महात्मा गांधी इस डर से कि जो उनके कांग्रेस के अंदर जो हाई कास्ट हिंदूज है, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज है, जिन्हें सनातनी कहा जाता था, वो इसका विरोध करेंगे. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट द स्वराज वुड नॉट कम, स्वराज कुड नॉट बी अचीव बिफोर एलिमिनेटिंग दिस अनटचेबिलिटी. तो उन्होंने कहा कि स्वराज तब तक नहीं आएगा, 100 सालों तक स्वराज नहीं आएगा जब अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा. ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, वो हरिजन नाम दिए इन अनटचेबल्स को. हरि मीन्स गॉड, सन मीन्स जन मीन्स सन, यानी कि सन ऑफ गॉड का उन्होंने दिया हरिजन, और द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड. ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इन टू टेम्पल एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक्स, रोड एंड स्कूल. ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क फॉर द भांगी, द स्वीपर एंड द परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी. उन्होंने सत्याग्रह लाया ताकि ये जो डिप्रेस क्लास है, ये जो दलित वर्ग है, उन्हें हर पब्लिक प्लेस पे एंट्री मिल सके, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो टैंक हो, रोड्स हो, स्कूल हो, कहीं पर उन्हें जाने से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए. और उन्होंने इसके लिए खुद से टॉयलेट अपनी साफ करते थे,
ताकि इन लोगों की डिग्निटी को बनाकर रखा जा सके। वो लोगों से, अपर कास्ट के लोगों से कहते थे कि वो अपनी मेंटलिटी को चेंज करें, और जो अनटचेबिलिटी का जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, जो इसका अपराध कर रहे हैं, उसे वो छोड़ दें। बट मेनी दलित लीडर वर्क इन ऑन अ पॉलिटिकल ऑन अ पॉलिटिकल डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्स, डिमांडिंग रिसोर्सेज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे वो एक अलग ही सॉल्यूशन खोज रहे थे। महात्मा गांधी उनको समान दर्जा देना चाह रहे थे, लेकिन दलित जो थे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, और वो चाहते थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और उससे सिर्फ दलित मेंबर का चुनाव होना चाहिए, और दलित मेंबर जो है वो लेजिस्लेटिव में पार्टिसिपेट करें। देखो बच्चों, एक चीज है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है दोनों में डिफरेंस है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि कुछ एरिया ही उनको दे दिया जाए, और महात्मा गांधी इसके सपोर्ट में नहीं थे, उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के सपोर्ट में थे, जहां पर कैंडिडेट तो दलित खड़े होंगे लेकिन जो जो वोटर्स होंगे वो सारे लोग होंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि दलित वर्ग ही अलग हो जाएं और वो अलग जगह से खड़े हों, उनको उन लोग चुने और वो जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करें। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। दलित वर्ग को लगता था कि उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनमें आए, और जब पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट उनमें आएगा, जब वे शासन में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तब जाकर के उनके प्रॉब्लम्स का, उनके सामाजिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सो दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इसलिए अगर लिमिटेशन आएगा तो आप इसमें लिख सकते हो कि दलित कम्युनिटी का जो था वो पार्टिसिपेशन लिमिट था। लिमिटेशन में आपको लिखना होगा कि किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो दलित लोग जो थे, चूंकि दे फील दैट दे आर अपरेस्ट क्लास एंड दे वर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू अनटचेबिलिटी वाज प्रेजेंट, तो वो चाहते थे कि उन्हें बहुत कुछ उन्हें मिले, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, सेपरेट इलेक्टोरेट हो जहाँ से दलित मेंबर चुने जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली के वो मेंबर बने, और जब उनमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ जाएगा तो समाज में जो उनके साथ डिफरेंसेस हो रहे हैं वो डिफरेंसेस को खत्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जो था महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे इन लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे, यानी बहुत ज्यादा संख्या में थे। तो यहाँ पर के लोगों ने, बेसिकली दलित ने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। आगे देखिए, आप जानते हो कि बी आर अम्बेडकर जो थे, ही वाज इन द फेवर ऑफ डिप्रेस क्लास, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1930 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। क्लास विद महात्मा गांधी एट द राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाई डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। और आपको मैंने बताया था कि ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो गए थे तो वहां उनकी टकराहट जो हो गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हो गई थी, क्योंकि बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे। बिकॉज आप जानते हो कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ऑलवेज बिलीव इन अंग्रेज जो थे वो किस में बिलीव करते थे? अंग्रेज बिलीव करते थे डिवाइड एंड रूल। और अगर मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं या दलित सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं तो इंडिया को टुकड़े टुकड़े में बंटने की संभावना थी। इसलिए महात्मा गांधी इसका विरोध कर रहे थे, और इसी चीज को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लैशेस हो गए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट
कंसीडर्ड अंबेडकर डिमांड, गांधी जी भी गए ने फास्ट अंटू गए। और जब अंग्रेजों ने अंबेडकर की डिमांड को मान लिया तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। ही बिलीव द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्ट गांधी जी पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ दिस सेप्टेम्बर 1932। ठीक है, उसके बाद उन्हें उन्हें लग रहा था कि वो जो देश के लिए, समाज के इंटीग्रेशन के लिए ये सही नहीं है, अगर वो, क्योंकि अगर वो अलग अलग, अंग्रेज तो चाहते ही थे कि वो सबको अलग अलग भागों में बांट दे, अगर वो अलग अलग भागों में बांटेंगे तो कंट्री को कभी यूनाइट नहीं किया जा सकेगा, कभी भी स्वतंत्र नहीं कराया जा सकेगा। महात्मा गांधी इस चीज को महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों को, जब अंग्रेज तैयार हो गए सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए, तो अंबेडकर जो थे वो, महात्मा गांधी जो थे वो अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में महात्मा गांधी ने गांधी जी के पोजीशन को एक्सेप्ट किया और उसी का रिजल्ट था 1932 का पूना पैक्ट। सितंबर 1932 में दोनों के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ। इट गिव द डिप्रेस क्लास, लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट, रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोर। द दलित मूवमेंट हावेवर कंटिन्यू टू बी अप्रिहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। उसके बाद पूना पैक्ट के अनुसार कि अब जो सीटें थी दैट वो डिप्रेस क्लास, जिसको आज के डेट में हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो वोटर्स है वो जनरल होंगे। इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस विल कास्ट द वोट इन द फेवर ऑफ दिस पीपल, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के फेवर में सारे लोग वोट दे करेंगे, इसलिए कह रहा है कि देयर शुड बी जनरल इलेक्टोर। द दलित मूवमेंट हावेवर कंटिन्यू टू बी अप्रिहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, लेकिन कह रहा है कि फिर भी दलित मूवमेंट जो थे वो कांग्रेस के मूवमेंट के साथ वो बहुत अभी भी वो अप्रिहेंसिव ही रहा, उसके मन में मतलब शक ही रहा, आशंकाएं रही, और वो उस मूवमेंट में ढंग से शामिल नहीं हुआ। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वर आल्सो लुकवार्म इन द रिस्पांस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा आप लिमिटेशन देख रहे, एक आपने देखा दलित का, दूसरा जो लिमिटेशन है वो है मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे, इनका झुकाव नहीं रहा। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम felt alienated from the Congress from the mid 1920s. The Congress came to be more visually associated with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. तो कह रहे कि जो इसका रीजन क्या था कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन होने के बाद मुस्लिम जो थे वो अपने आप को कांग्रेस से अलग थलग महसूस करने लगे, क्योंकि मिड 1920s में कांग्रेस जो थी वो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ गई थी और वो ग्रुप था हिंदू महासभा। ठीक है, तो अब उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं से ज्यादा जुड़ रही है, इसलिए मुस्लिम जो थे वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्सन, इच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विथ मिलिटेंट फर्वर, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइटिंग वेरियस सिटीज। Every right between the distance between the two community. अब क्या हुआ, दोनों ही हिंदू और मुस्लिम के रिलेशन धीरे धीरे और खराब होते चले गए। हर कम्युनिटी अपना जुलूस निकालता था, एक दूसरे से टकराते थे, क्लासेस होता था, राइट होता था, और हर राइट जो है वो दोनों ही कम्युनिटी के बीच के डिफरेंसेस को बढ़ा देता था। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important differences were over the question of representation in the future assembly that were to be elected. Congress and Muslim League बाद में इन लोगों ने प्रयास किया कि वापस में उन्हें renegotiation होना चाहिए, वापस में फिर से उनको शांति वार्ता करने चाहिए, एक अलायंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, और इन 1927 में उनकी ये यूनिटी देखी भी गई।
है। और इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो था वो रिप्रेजेंटेशन को लेकर था, जो कि खत्म हो गया था। इसमें क्या हुआ था कि उनको फ्यूचर असेंबली में उनके लिए रिप्रेजेंटेशन की बातें कर दी गई। मतलब आपको भी जैसे कि दलित को सीट मिला है, वैसे कुछ जगहों पर भी मुस्लिम्स को भी मिलेगा, और मुस्लिम कैंडिडेट स्टैंड ओवर देयर एंड द पीपल विल इलेक्ट देम। तो उनके लिए भी असेंबली रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट इफ मुस्लिम अश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। सो लेकिन कह रहे कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का एक लीडर थे, और उनका डिमांड था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अगर मुस्लिम को अपने सेंट्रल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन एश्योर हो जाता है, खासकर वैसे एरिया में जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जिसमें बंगाल और पंजाब जैसे एरिया में वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना। निगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यू एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर व्हेन एम आर जैकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रॉन्गली अपोज रिपोर्ट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद करें कि ये जो रिप्रेजेंटेशन का की जो बातें थी, जो कुछ जो सेपरेट इलेक्टोर की जो बातें थी, वो उसका मैटर कंटिन्यू रहा। लेकिन करें कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुआ 1928 में, वो उसमें ये सारी आशाएं मुस्लिम्स कम्युनिटी की खत्म हो गई, जब हिंदू महासभा के जो एम आर जायकर थे, उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई कंप्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं। मतलब कि हम कोई तरह के रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं देने जा रहे। तो जैसे ही ये बातें हुई, मुस्लिम कम्युनिटी को समझ में आ गया कि अब उनके लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between community. और इसकी वजह से कहते कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो एक अजब सी आशंका का माहौल था। डिफरेंट कम्युनिटी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, जो कि कांग्रेस से वे अलग थलग पड़ गए थे। इसलिए जब महात्मा गांधी ने यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए एक लार्ज मास मूवमेंट लाने के लिए जब मुस्लिम्स को कॉल किया, तो उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स अपने मुस्लिम्स कम्युनिटी के स्टेटस को लेकर के, वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी समर्ज्ड अंडर द डोमिनियन ऑफ द हिंदू मेजोरिटी। उन्हें इस बात का डर था कि उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी जो है, क्योंकि हिंदू यहाँ पे पॉपुलेशन में जाता है, मेजोरिटी में जाता है, तो उनकी उनकी आइडेंटिटी जो है वो उसमें दब के रह जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन दैट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द कलेक्टिव बिलोंगिंग या कलेक्ट फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस, हाउ द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस वर क्रिएटेड अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ फ्रांस। ठीक है, आपने पढ़ा था। अब इंडिया में भी हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि इंडिया में कैसे लोगों का कलेक्टिव फीलिंग्स क्रिएट किया गया है। जस्ट यू आर वॉचिंग योर पिक्चर इज देयर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ लाला लाजपत, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तिलक इज सराउंडेड बाई सिंबल्स ऑफ यूनिटी, द स्क्वेयर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फेस, टेम्पल, चर्च, मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर। आप देख रहे हो कि बाल गंगाधर तिलक है, पर देयर इज अ फिगर ऑफ टेम्पल, देन दिस इज द फिगर ऑफ मस्जिद एंड गुरुद्वारा, टेम्पल, मतलब हर तरह की यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन। दिस फिगर इज ट्राइंग टू शो द यूनिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे
कम्युनिटी है और इनके इसमें अगल बगल में सारे सिंबल्स वगैरह बना दिए गए हैं, हर धर्म के सिंबल्स हैं, और इस तरह से यूनिटी को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। सो नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, बट नाउ हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल। नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ जब लोगों ने लोग अपने आप को एक नेशन का हिस्सा समझने लगे। ठीक है, जब लोगों में ने, जब आप नेशन से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे जो जो लोगों को एक एक सूत्र में बांध सके। तो ये चीज हुआ जब जब लोग नेशन का हिस्सा बनने लगे तब लोगों में यूनिटी डेवलप होने लगी। बट हाउ डिड द नेशन बिकेम ए रियलिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल? ये ठीक है, नेशनलिज्म लोगों में आया तो लोग यूनाइट हो गए, लोग एक दूसरे से बाइंड अप हो गए, बट ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, जस्ट वी हैव स्टडीड दैट अबाउट द दलित एंड अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी, दे आर एलिनेटेड एंड दे डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हाउ सच टाइप ऑफ पीपल यूनाइटेड टूगेदर एंड एंड डेवलप एंड 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 डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन देम। सो इन द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैम पार्शली टू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, बट देर आर ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपल्स इमेजिनेशन, हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फोकलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स पार्शली कैसे हुआ था? यूनाइटेड स्ट्रगल से। आपने आपने बहुत बार देखा, पहले तो 1857 का रिवोल्ट देखिए जिसमें लोग यूनाइटेड हुए थे, और वो लोगों का हालांकि वो रिवोल्ट फेलियर हो गया था बट दैट वाज द इंस्पायरेशन ऑफ मेनी पीपल। उसके बाद आपने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, तो ये जो बहुत यूनाइटेड स्ट्रगल्स की वजह से बहुत सारे लोग जुड़े और उनमें कलेक्टिव बिलोंगिंग शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ कल्चरल प्रोसेस के द्वारा भी लोगों में नेशनलिज्म डेवलप हुआ, जैसे कि हिस्ट्री था, इतिहास तो सबका कॉमन था, जो फोकलोर हो गए, सॉन्ग्स हो गए, इसके अलावा पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, ठीक है, ये सब जो थे ये लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट कर रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई। आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा था कि जर्मेनिया था, एक लेडी फिगर को लाया गया था हर जगह पर, एक जिससे कि लोग अपने आप को जोड़ सके। दिस इज द पिक्चर ऑफ भारत माता, आप देख रहे हो दैट दिस पिक्चर फिगर वाज मेड बाय अवेंद्रनाथ टैगोर इन 1905। इन दिस फिगर जस्ट वी विल सी दैट मदर फिगर इज शोन इन द डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग, द माला इज इन वन हैंड एम्फसाइजेस हर एस्थेटिक क्वालिटी। यस, यू विल सी देयर इज ए इन वन हैंड देयर इज अ माला एंड माला इज शोइंग दैट हर एस्थेटिक क्वालिटी, धर्म तो धार्मिक विश्वास को दिखलाते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राइड टू डेवलप ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियंस। इन लोगों ने इस तरह की पेंटिंग बनाई, उसके बाद भी पेंटिंग बनी थी, दिस पेंटिंग वाज मेड बाय रवींद्रनाथ टैगोर। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू शो सी चैप्टर इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज द फिगर ऑफ इमेज, दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुलाइज एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। सारे कंट्री में एक फिगर और एक इमेज से नेशन को जोड़ा जा रहा है। इससे लोग अपने आप को उस फिगर को देखकर लोग अपने आप को उस नेशन से जोड़ रहे थे, अपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे। करें कि 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था इंडिया में और उसी समय भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी।
ठीक है, द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन द 1870 ही रोट वंदे मातरम एज हाइम टू बी मदरलैंड। सबसे पहले फिगर बनाने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पे मैंने 1905 का बताया, लेकिन 1870 में ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक भारत माता की तस्वीर बनाई थी और एक उन्होंने वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो उन्होंने अपनी मातृभूमि पर लिखा था। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन इन हिज नोवेल आनंद मठ एंड वाइडली सन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बाद में उसे आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो बुक है आनंद मठ उसमें उसमें इसे लिख दिया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में ये हमेशा हर जगह पे ये गाया जा रहा था वंदे मातरम। मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट रवींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। इन हिज पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एन एस्थेटिक फिगर शी इज काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। In subsequent year, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular print and was printed by different artists. Devotion to his mother figure came to be seen as evidence of oneness religion. अब उसके बाद अवीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया भारत माता की तस्वीर जो बिल्कुल एस्थेटिक थी, शांत डिवाइन स्पिरिचुअल दिख रही थी। उसके बाद के वर्षों में भी भारत माता की अलग अलग तस्वीरें बनाई गई और उसे प्रिंट के माध्यम से उसे अलग अलग सभी जगह पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था ताकि लोग उसको अपने आप से रिलेट कर सके। तो इस मदर फिगर के प्रति जो डिवोशन था ये बाद में नेशनलिज्म में देखा गया। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. आपने पढ़ा है क्लास प्रीवियस चैप्टर में रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म आपने पढ़ा था, उसमें इसी चीज को पढ़ा था ना कि हमारे हिस्ट्री के सहायता से जो हमारे प्राचीन कथाएं थी, प्राचीन जो गीत थे, संगीत थे, उन सब से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। तो भारत में भी ये चीज हुआ करें कि लगभग लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट जो थे वो जाकर के जो गान जो फोक सॉन्ग गाने वाले थे, फोक टेल्स जो बार्ड गाते थे उनके गानों को उन लोग रिकॉर्डिंग करते थे और वो गांव से गांव घूम घूम करके वो कविताएं, वो गाने, वो स्टोरियां उनकी इकट्ठा करते थे। और दीज टेल्स दे बिलीव गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाय उनको उनकी सोच थी कि ये जो स्टोरीज है, ये जो गाना है, ये जो है लोगों को उनके ट्रेडिशनल कल्चर्स को लोगों को याद दिलाएगा ताकि जो कि ब्रिटिश रूल के वजह से डिस्ट्रॉयड हो चुका है। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फॉक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वन नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। ये जरूरी था कि ये फोक ट्रेडिशंस को इकट्ठा किया जाए, उनकी आइडेंटिटी उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी बनाई जाए और अपने पास्ट के प्रति लोगों में एक गर्व का एहसास हो कि हमारा पास्ट कभी कितना अच्छा था। बिकॉज अंग्रेजों ने तो उन्हें बिल्कुल उनको डिमोरलाइज करके रखे हुए थे। सो इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बलार्ड्स नर्सरी राइम्स एंड माइस एंड लेड टू द मूवमेंट फॉर फॉक फॉक रिवाइवल इन रिवाइवल। और अगर आप बंगाल में देखें तो बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर खुद से ब्लार्ड से मिल मिलकर और कविताएं, स्टोरीज, गाना, कहानियां ये सब कलेक्ट करते थे और उसको और उन्होंने मूवमेंट के दौरान उसका इन्होंने यूज भी किया। इन मद्रास नटेश्वर शास्त्री पब्लिश ए मैसिव 4 वॉल्यूम्स कलेक्शन फॉर तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मद्रास
में नतेसा शास्त्री ने 4 वॉल्यूम्स की, एक तमिल फोक टेल्स की 4 वॉल्यूम बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी, और उस बुक का नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था कि फोकलोर जो है उनका मानना था कि फोकलोर जो है वो लोगों के थॉट, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स का के में बहुत ज्यादा चेंजेस ला देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस ला देगा। तो बच्चों अगला जो नाउ वी डोंट हैव मच थिंग इज लेफ्ट, सो आई वांट टू एक्सप्लेन इट। एट द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकॉन्स एंड सिंबल इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ए ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइन, एंड इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ए क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, इट वॉज अगेन ए ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधियन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलाउड ड्यूरिंग मार्च इट बिकम ए सिंबल ऑफ डिफेंस। सो स्टूडेंट देयर इज वन क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग जो फ्लैग बना और महात्मा गांधी के जो फ्लैग बने उन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे कि नेशनल मूवमेंट जैसे जैसे डेवलप हुआ, नेशनली लीडर्स जो थे वो ऐसे आइकॉन्स और सिंबल के प्रति और ज्यादा अवेयर हुए ताकि लोगों को यूनिफाई किया जा सके, लोगों को इंस्पायर किया जा सके, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप किया जा सके। स्वदेशी मूवमेंट के समय बंगाल में एक ट्राइकलर फ्लैग लाया गया था जो कि रेड ग्रीन और येलो कलर का था, ठीक है, रेड ग्रीन एंड येलो कलर का डिजाइन किया गया था। इसमें 8 लोटसेस थे, 8 कमल का फूल था जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करता था। साथ में इसमें क्रिसेंट शेप के मून भी थे जो कि आप पाकिस्तान के झंडे में देखते हो, तो वो था। और ये जो क्रिसेंट मून वाज रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। देखो आप देख रहे हो यहाँ, एक तरफ तो एक यूनाइटेड दिखाया जा रहा है क्योंकि 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 8 लोटस के रूप में दिखा दिया गया और एक क्रिसेंट मून दिखाया गया जो कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को शो कर रहा है। लेकिन बाय 1921 महात्मा गांधी ने एक स्वराज फ्लैग बनाया। स्वराज फ्लैग का कलर जो था वो दैट वाज आल्सो ट्राई कलर एंड द कलर वाज रेड ग्रीन एंड व्हाइट। आपने देखा कि इसके पहले जो कलर थे रेड ग्रीन एंड येलो था, बट नाउ द कलर व्हाइट, येलो से व्हाइट चेंज हो गया एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। और सेंटर में क्या था, करखा था जो जिससे वो सूत काटा करते थे। और ये जो है ये गांधियन आइडिया को रिप्रेजेंट करता था ये स्पिनिंग व्हील, ताकि लोग सेल्फ हेल्प कर सके, मतलब कि वो करघा चला करके वो अपनी इनकम वो खुद कर सकते हैं। और इस फ्लैग को लेकर के लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते थे, मार्चेस निकालते थे, और ये उनका एक सिंबल बना हुआ था। अंदर मीन ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज टू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मेनी इंडियन बिगेन फीलिंग दैट स्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन। इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, द ब्रिटिश सॉ इंडियन एज अ बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइम इज नॉट मोर, वी हैव जस्ट गोइंग टू एंड द क्लास। सो दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन टुमारो, दिस इज एंड द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, एंड टुडे आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके सो स्टूडेंट्स, हु
मेड द फर्स्ट फिगर ऑफ भारत माता? एनीवन? सबसे पहले किसने बनाया भारत माता की फिगर? कोई तो बोलो। इन 1870 किसने बनाया बच्चा? नो रिस्पॉन्स। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय। और उसके बाद किसने बनाया 1905 में? अरे अभिन्द्रनाथ टैगोर। पूना पैक्ट किसके किसके बीच साइन हुआ था? बोलो। महात्मा गांधी एंड चलो ठीक है, टाइम ओवर हो रहा है, जस्ट आई एम एंडिंग माई क्लास।